नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल से देख ही लिया होगा, आज का जो वीडियो है वो एक मीशो हॉल होगा। मैंने बहुत ज़्यादा परचेजेस नहीं की हुई है मीशो से, मैंने शायद एक या दो बार ही पहले मीशो हॉल शेयर किया है आप लोगों के साथ। सो यस, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, फेस्टिव सीजन अप्रोच कर रहा है, सो आई डिसाइडेड टू बाय अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम मीशो। आज का जो हॉल है वो बेसिकली इयररिंग्स हॉल होगा। मैंने कुछ 6 या 7 पेयर ऑफ इयररिंग्स ऑर्डर किए थे मीशो से, एंड दैट इज वॉट आई वुड बी शेयरिंग विद यू गाइस टुडे। जो इस वक्त मैंने इयररिंग पहना हुआ है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जो कि मैंने मीशो से परचेज किया है, एंड इसी के जैसे और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इयररिंग्स हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सीइंग कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं फ्रॉम मीशो, देन कीप ऑन वॉचिंग। मीन आप देख सकते हैं द पैकेजेस जो कि मुझे मीशो से रिसीव हुए थे। आई हैव शेयर्ड अ लिटिल शॉर्ट्स वीडियो जिसके अंदर मैंने वो सारे पैकेजेस ओपन किए हैं, सॉर्ट ऑफ अ मिनी अनबॉक्सिंग काइंड ऑफ अ वीडियो, और मैंने एक स्नीक पीक दिखाया था उन सारे इयररिंग्स का जो मैंने परचेज किए हैं। इतने भी इयररिंग्स मैं आज के हॉल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उनका प्राइस रेंज इज समवेयर बिटवीन 200 to 250। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट पेयर ऑफ इयररिंग, एंड द फर्स्ट पेयर दैट आई एम गोइंग टू शेयर इज द वन दैट आई एम करंटली वेयरिंग। सो ये जो इयररिंग्स हैं, ये एज यू कैन सी गोल्डन कलर के हैं, फ्लावर पैटर्न हैं, और पहनने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये सॉर्ट ऑफ इंडो वेस्टर्न इयररिंग्स हैं। मैंने इस टाइम पे इंडियन आउटफिट के साथ इन्हें पहना हुआ है, बट यू कैन ईजिली फ्लॉन्ट देम विद वेस्टर्न आउटफिट्स। आई डू फील कि ऑल ब्लैक आउटफिट के साथ इयररिंग्स काफ़ी अच्छे लगेंगे। काफ़ी लाइट वेट हैं, एंड आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द प्राइस ऑफ ईच ऑफ द इयररिंग्स। तो जैसे जैसे मैं आप लोगों के साथ इयररिंग्स शेयर करूंगी, प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो अगर हम क्वालिटी की बात करें, सो आई डू फील दैट दीज आर प्रिटी स्टर्डी, लाइट वेट हैं काफ़ी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहे हैं कि ये आसानी से डैमेज हो जाएंगे। दे डू सीम प्रिटी स्टर्डी। सो यस, दिस इज व्हाट द फर्स्ट सेट ऑफ इयररिंग्स लुक लाइक। नाउ लेट मी शो यू द सेकंड सेट ऑफ इयररिंग्स, एंड दीज आर बाय फार माय फेवरेट ऑफ ऑल दोज दैट आई हैव ऑर्डर्ड। सो दिस इज हाउ द सेकंड पेयर ऑफ इयररिंग्स लुक लाइक। काफी बोहो से हैं, एंड दे आर वेरी लॉन्ग। आई पर्सनली लव टू वेयर लॉन्ग इयररिंग्स, एंड दैट इज व्हाई दीज पर्टिकुलर इयररिंग्स कॉट माय अटेंशन। जो ऐप पे जितने पसंद आ रहे थे, रिसीव करने के बाद ये इयररिंग्स मुझे और ज्यादा पसंद आ रहे हैं, एंड दे लुक एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल ऑन। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ये इयररिंग्स कितने सुंदर लगते हैं पहनने के बाद। एंड अगेन एज आई सेड, ये बोहो टाइप की इयररिंग्स हैं, सो यू कैन ईजिली वेयर देम इंडियन आउटफिट्स के साथ ड्यूरिंग नवरात्रि सीजन और वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी। तो यस, दिस इज द सेकंड पेयर ऑफ इयररिंग्स जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया है। द नेक्स्ट पेयर ऑफ इयररिंग्स जो मेरे पास हैं, वो भी काफी लंबे हैं, बट दे आर नॉट एज कलरफुल एज द प्रीवियस वंस। सो दिस इज हाउ द नेक्स्ट पेयर ऑफ इयररिंग्स लुक लाइक। आर्न्ट दे ब्यूटिफुल? आई लव हाउ लॉन्ग दे आर। अगेन नवरात्रि के लिए ये परफेक्ट पेयर ऑफ इयररिंग्स हैं, एंड ओके सो ये जितने भी इयररिंग्स एज आई सेड मुझे 200 रुपीज के अंडर पड़े हैं, एंड आई डू फील कि आप इन इयररिंग्स को अराउंड 100-150 में भी परचेज कर सकते हैं फ्रॉम एनी लोकल मार्केट। लाइक यू कैन गो टू जनपथ, यू कैन गो टू सरोजनी, एंड मे बी ये जो पर्टिकुलर इयररिंग्स हैं वो आपको कम प्राइस में मिल जाएंगे। बट सिंस नॉट एवरीवन कैन गो टू जनपथ और सरोजनी, देयर आर ऑप्शंस ऑनलाइन एज वेल, एंड थोड़ा सा प्राइस रेंज ज्यादा है, बट एटलीस्ट यू कैन ग्रैब दीज ब्यूटीज ऑन अ रिसेंटली अफोर्डेबल प्राइस रेंज। सो यस, दिस इज द नेक्स्ट पेयर ऑफ इयररिंग्स। आई लव द फैक्ट दैट दीज आर मिरर्ड, एंड I absolutely love the length of these. ऊपर एक चांद वाली टाइप का है, एंड नीचे छोटी छोटी झुमकी दी गई है, which looks absolutely stunning on. So yes, this is the next pair of earring that I have. जो next set of earring है वो थोड़ा rusty सा है। I am not too sure कि ऐसा ही होना चाहिए था या नहीं। आजकल बड़े बड़े rustic earrings का fashion चल रहा है, and I've seen a lot of YouTubers or a lot of influencers wearing those. So when I saw them online, I did get attracted towards them, and this is how they look like. They again look very beautiful with like a cotton sari, or maybe you know like a black or a grey sari, they can look beautiful. And again they are big, so I wanted to like them, but honestly I am not a fan of these particular ones, not because of the shape or size of these earrings. Lekin ye jo earrings hai na, ye dekhne mein jaisa ki aap dekh rahe honge kafi black lag rahe hain, but ye black color jo hai, it is not like fixed or something. Like agar main inko rub karti hu apni finger se, so thoda sa dirt inme se nikalta hai, so I am not too sure ki ye gande hain
या इनका कलर निकल रहा है और व्हाट इज द सीन विद दीज इयररिंग्स. बट एज यू कैन सी दे डू लुक वेरी ब्यूटिफुल इन द इयर्स एंड बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइट वेट है, आवाज़ करते हैं एंड अगेन दे आर वेरी एप्ट फॉर लाइक अ बोहो सॉर्ट ऑफ अ लुक. जो नेक्स्ट पेयर ऑफ इयररिंग्स हैं दैट इज अगेन लाइक अ वेरी लॉन्ग झुमकी सॉर्ट ऑफ इयररिंग्स जैसे कि जो लास्ट वाले थे, बट दे आर अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन इन द फैक्ट कि इनका जो कलर है वो एटलीस्ट निकल नहीं रहा है एंड आई डू लाइक द वे दे लुक लाइक. अगेन बड़ी बड़ी झुमकीज हैं इसमें एंड दे विल लुक एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल विद अ कॉटन साड़ी. आई कैन इमेजिन माई सेल्फ वेयरिंग अ रस्टिक ब्लैक और लाइक अ ग्रे कॉटन साड़ी. दीज पर्टिकुलर इयररिंग्स आई वुड एब्सोल्युटली लव टू वेयर देम, आई वुड लव टू ट्राई देम. सो यस, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मैंने सारे जो इयररिंग्स हैं वो इस ऑरेंज ड्रेस पे ही आपको ट्राई करके दिखाए हैं एंड यू कैन सी कि डिफरेंट आउटफिट्स पे भी ये कैसे लगते हैं. ऑफकोर्स दे विल लुक ब्यूटिफुल विद द साड़ी, बट अगर आप साड़ी फ्लॉन्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप एक कुर्ती फ्लॉन्ट कर रहे हैं या कोई भी और इंडियन आउटफिट वेयर कर रहे हैं उस सिचुएशन में इयररिंग्स कैसे लगते हैं यू कैन सी इन द वीडियो राइट नाउ. ओके सो ये तो हो गए सारे लॉन्ग झुमकी सॉर्ट ऑफ इयररिंग्स. नाउ आजकल बीडेड इयररिंग्स भी काफ़ी फैशन में है. मैंने कुछ वेबसाइट पे कुछ इंस्टाग्राम सेलर्स हैं जिनके बीडेड इयररिंग्स मुझे काफ़ी पसंद आए. इवन मिंत्रा पे, अमेजोन पे आपको काफ़ी सारे वैरायटी की बीडेड इयररिंग्स मिलते हैं एंड देर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड एवर स्टाइलिश, उसके भी मैंने कुछ बीडेड इयररिंग्स देखे थे एंड आई लव द वे दे लुक. लेकिन वो थोड़े प्राइजियर रेंज पे थे, लाइक दे वर प्राइज्ड मोर देन 500 और कुछ तो जो मुझे पसंद आए वो 1000 रुपीज के भी थे. आई नो दीज बीडेड इयररिंग्स कैन बी अ लिटिल प्राइजी बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ व्लॉगर्स जिन्होंने लाइक 50-60 रुपीज में भी इयररिंग्स परचेज किए हैं. सो आई ऑल्सो गेव कपल ऑफ दीज इयररिंग्स अ ट्राई और मैंने ये एग्जैक्टली 50-60 रुपीज में तो नहीं लिए हैं बिकॉज लाइक दे वर प्राइस समवेयर अराउंड 150-200 रुपीज, बट यस कम से कम ये 500-600 रुपए के नहीं है. सो द फर्स्ट पेयर ऑफ बीडेड इयररिंग्स दैट आई हैव आर दीज लिटिल वंस. नाउ दीज लुक अ लिटिल डिफरेंट जो कि डिस्क्रिप्शन में दिख रहे थे मीशो पे, बट आई स्टिल डू फील दैट दे लुक प्रिटी. काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा बोल्ड इयररिंग्स नहीं हैं, सो इफ़ यू लाइक लॉन्ग चंकी इयररिंग्स तो ये वैसे इयररिंग्स तो नहीं है, बट इफ़ यू आर समबडी जिनको बहुत ज़्यादा लंबी इयररिंग्स पसंद नहीं है एंड दे कैन नॉट हैव एनीथिंग वेरी लॉन्ग और वेरी हैवी इन देयर इयर्स, तो ये पर्टिकुलर जो बीडेड इयररिंग्स होते हैं यू कैन गिव देम अ ट्राई. बहुत ही एवरेज से लगे मुझे ये पर्टिकुलर वाले, बट आई डू थिंक दैट आई कैन them with a white suit or something similar. I don't think that these are available in any other color option. So yahi color tha, maybe agar koi aur color option hota to I would have selected the other one, but yes this is how they look like. I'm not a fan of these ones, but yes they are very casual everyday sort of earrings. This being said, we are towards the end of the video and the last pair of earring hai mere paas wo bhi beaded earring hai, but they are a little different from the one jo maine abhi aapko dikhaye hai. This is how they look like. These are the funky sort of beaded earrings. There is a lady in the earrings who is wearing sunglasses with a high bun and they look so stylish and so pretty. Again, I'm not really sure ki main isko apne Indian outfits ke saath kitna pehen paungi, but these would look absolutely beautiful with like a funky or with a stylish western outfit. I might give this a try with a sari again, but main bahut zyada sarees pehenti nahi hu, so I am not too sure कि इसको कैसे स्टाइल करना है, बट आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू गाइज कि अगर आप लोगों के पास इस टाइप की इयररिंग्स है तो उसको किस तरीके से स्टाइल किया जाता है. मुझे देखने में ये बहुत सुंदर लगे एंड दैट इज द रीजन आई बॉट देम. सो यस, दिस वाज द लास्ट पेयर ऑफ इयररिंग्स जो मैंने मीशो से परचेज किए हैं. आई डू लव मोस्ट ऑफ द इयररिंग्स दैट आई हैव विद मी, प्लस काफी अफोर्डेबल रेंज में थे. बहुत ज्यादा सस्ते नहीं थे बट बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं थे. सो यस, ओवरऑल आई एम हैप्पी विद मीशो और उनकी सर्विसेज के साथ. आई हैव ऑलरेडी सेड कि दिस इज द सेकंड ऑफ द थर्ड टाइम जब मैंने मीशो से ऑर्डर किया है एंड आई रिसीव माई प्रोडक्ट ऑन द थर्ड डे फ्रॉम द डे व्हेन आई प्लेस द ऑर्डर. सो यस, उस तरीके से देखा जाए तो मीशो
काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मतलब मुझे डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्वालिटी वाइज भी कोई खास इशू नहीं हुआ मुझे। तो यस, दैट वाज माय इयररिंग हॉल फ्रॉम मीशो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, इन सारे पेयर ऑफ इयररिंग्स में से आपका फेवरेट पेयर कौन सा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही और हॉल और मेकअप रिलेटेड वीडियोज मेरे चैनल पर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नमस्ते।